भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भोजपुरी की टॉप स्टार्स में शामिल है रितु सिंह। सिर फिरे आशिक ने बनाया था बंधक। भोजपुरी स्टार रितु सिंह को हाल ही में यूपी में शूटिंग के दौरान एक सिर फिरे आशिक ने बंधक बनाकर उनसे शादी करने की मांग की थी। यूपी के रॉबर्ट्सगंज में भोजपुरी फिल्म दुलारी बिटिया की शूटिंग के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। एक सिर फिरे आशिक ने फिल्म की हीरोइन रितु सिंह से शादी की मांग को लेकर उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बना लिया था। रितु सिंह भोजपुरी की सबसे बिजी सितारों में से एक है और उनकी इस साल कई फिल्में भी रिलीज होने जा रही है। रितु सिंह का 1990 में हुआ था। वे भोजपुरी, हरियाणवी और पंजाबी एल्बमों में काम कर चुकी हैं। उन्हें सुपरहिट भोजपुरी फिल्म दुलारा से पहचान मिलनी शुरू हुई थी। उन्होंने अपने भोजपुरी करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म दिलदार सावरिया से की थी। इस फिल्म में यश मिश्रा और अंजना सिंह जैसे सितारे नजर आए थे। वे अक्सर फेसबुक पर भोजपुरी के टॉप सितारों से जुड़ी खबरों को शेयर करती हैं, जिनमें निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे सितारे शामिल हैं। उन्होंने पीएम मोदी को फेसबुक पर जीत की बधाई भी दी थी। वे इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। रितु सिंह इस घटना के बाद काफी घबराई हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इस घटना के बाद कैमरे पर अपना बयान भी दिया है। गौरतलब है कि रितु सिंह की दुलारी बिटिया को हिंसिका म्यूजिक के बैनर तले बनाया जा रहा है। इस फिल्म के हीरो राकेश मिश्रा और अमरीश सिंह हैं और निर्माता निर्देशक रितेश ठाकुर हैं। सेट पर हुई घटना के बाद इस फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। फिल्म दुलारी बिटिया के अलावा रितु सिंह की इस साल बागी, छलिया और राधे कृष्णा जैसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।